बात करते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। आकाश भाई, शोएब भाई, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, ये जो न्यूजीलैंड की जो टीम है जो सेमीफाइनल में इंडिया के सामने खेलने उतरेगी, ये 5 मैच जीती है 9 मैच में से, और ये जो 5 मैच इन्होंने जीते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ये जो मैचेस हैं वो श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और इंग्लैंड की टीम से आए हैं। यानी कि इस वर्ल्ड कप की पांच फिसड्डी टीमों से इन्होंने मैचेस जीते हैं। इनफैक्ट जो इनसे ऊपर 3 टीम है और इनसे नीचे भी जो टीम थी पाकिस्तान, उससे भी ये मैच हारे हैं। अब न्यूजीलैंड यहां पर अंडरडॉग एक्चुअली इस मैच में कौन है? क्या वो टीम जिसने इंडिया से खराब क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, या फिर वो टीम जो लगातार पिछले 2 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में पहुंची है, 2 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है? शोएब भाई, पहले आकाश बताएंगे फिर मैं बताऊंगा आपको। चलिए आकाश भाई, आपसे पूछते हैं, अंडरडॉग कौन है? अंडरडॉग अगर न्यूजीलैंड से, अगर आप न्यूजीलैंड बड़ी ना ऑनेस्ट टीम है और बड़ा ऑनेस्ट असेसमेंट भी करते हैं, और इस वजह से एक्चुअली ये टीम जो अच्छा करती है इसी वजह से करती है, क्योंकि अपनी कमजोरियों को समझते जरूर हैं, और वो मतलब दे डोंट शाय अवे, मतलब वो ना बहाने बनाएंगे ना वो आपको कहानियां सुनाएंगे, वो कहते हैं भैया मेरे पास यही कुछ है, हमारे यहाँ भेड़े ज्यादा है बंदे कम है। तो जब इतने से आपके पास रिसोर्सेज होते हैं ना, तो यू ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और आज भी अगर आप उनसे पूछें, थोड़ा गिरेबान में झांक के देखो, कहेंगे यार बड़ी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के हम यहाँ पे आए हैं। एक हमारे साथ इशू जरूर रहा कि हमारी इंजरीज रही हैं, केन विलियमसन शुरू में इंजर्ड हो गए, रन बनाए, पहले इंजर्ड थे फिर रन बनाए फिर इंजर्ड, मैट हेनरी इंजर्ड, वो टूर्नामेंट से बाहर, फिर काइल जेमिसन आते हैं, सो उनका कैंपेन उस तरीके से चला है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैन टू मैन मार्किंग अगर आप करेंगे तो आई मीन न्यूजीलैंड बहुत नीचे है एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर सच बात ये भी है कि ये 1.5 घंटे की कहानी है। जैसे शोएबी ने कहा कि पहला घंटा अगर आप जीत जाते हैं इस मुकाबले में, खासतौर से अगर वो टीम इंडिया है जो पहला घंटा जीतती है, न्यूजीलैंड जीत जाएगी पहला घंटा, आई वोंट बी वरीड, लेकिन अगर इंडिया पहला घंटा जीत जाती है विद द बैट फॉर एग्जाम्पल, तो फिर न्यूजीलैंड शुड बी एक्सट्रीमली वरीड कि वो वापस नहीं आ पाएंगे इस मैच में, ये गारंटी है, ऑलमोस्ट गारंटी है ये। तो भारत से ना एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है और कुछ नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे खेल का बर्डन नहीं है कि क्या भारत बेहतर टीम है। अरे 100% बेहतर है यार, तुम क्रिकेट को पहचानते हो तो ये समझते हो। ये न्यूजीलैंड से पूछो वो भी कहेंगे भैया हाँ इंडिया बेटर टीम है, पर एक्सपेक्टेशंस का बर्डन और ये नॉकआउट का प्रेशर, ये दो चीजें हैं जो भारत को संभालनी पड़ेंगे। क्रिकेट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल। और शोएब भाई, आपको क्या लगता है ये जो नॉकआउट का ये जो प्रेशर है, आपने जब आपसे कल भी बात हुई थी तो आपने ये बोला था कि भाई अगर न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर इंडिया के साथ भगवान न करे ऐसा हो जाए तो बड़े सवाल भी उठेंगे, बहुत ज्यादा मतलब सारी बातें भी होंगी। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली है, 9 मैच में से 9 मैच कन्विंसिंगली जीते हैं, बल्कि एक तरफा जीते हैं सारे के सारे, आपको क्या लगता है इस मैच में वो सेमीफाइनल का एडेड प्रेशर रहेगा, या टीम इंडिया कहेगी कि भाई हमसे बेहतर क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में किसी और ने नहीं खेली, 2 ही मैच और खेलने हैं, इनको हराओ और वर्ल्ड कप जीतो? मैं आपको चैन आपको बात बताऊं, अगर आप थोड़ा इसको ओपन माइंडेडली जरा सोचना तुम सारे, और इसको मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा जी। ये अगर इस फॉर्मेट को बचना है ना, अगर इस फॉर्मेट को ही बचना है तो हिंदुस्तान को ये वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये ना जीता ना फॉर्मेट इंडिया, और ये अगर हारा तो मेरा नहीं ख्याल अगले 4 सालों में ये फॉर्मेट भी होता है, कौन लगाएगा पैसे फिर इस फॉर्मेट पे? जी कुछ सोचो जरा जी, जी कौन, बड़ी मुश्किल से इंडिया के मैचेस में आए हैं लोग, थोड़ा बहुत पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए, हालांकि पाकिस्तान की टीम जब इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रही थी तो पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा था जी। वो बेशक अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेल रहा है, वो जिसके खिलाफ खेल रहा है, हिंदुस्तान ने पूरा सपोर्ट किया, ये तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया कि नहीं यार पाकिस्तान को हमने देखना चाहते हैं कि आगे। इस फॉर्मेट की बका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जीते। मैं ये नहीं कह रहा, माजल्ला मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड खेलने नहीं आया, उनको जीतना नहीं चाहिए, लेकिन यार इस फॉर्मेट का खतरा मुझे बहुत ज्यादा है, जो इसलिए कि यार इस फॉर्मेट को देखने के लिए लोग आ नहीं रहे भाई। और ये वही सेविंग ग्रेस है, मैं ये नहीं कहता कि मैच फिक्स है माजल्ला नाउज बिल्ला कि यार इंडिया को जिताना ही जिताना है, नहीं इंडिया खेल के जीतेगा, पैंटी लगाएगा, कोशिश करेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की चीज है कि पैसा सारा आपका लगता है, ब्रॉडकास्टिंग राइट से लेके यहाँ तक जहाँ आप मैं बैठे हैं सारा हिंदुस्तान का पैसा लग रहा है। मैं कोई वफादारी नहीं कर रहा आपके लिए, मैं आपको बटरिंग नहीं कर रहा, लोग ये समझते हैं शायद मैं बटरिंग का, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। इस फॉर्मेट के लिए बड़ा जरूरी है कि हिंदुस्तान इस एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, क्योंकि ये फॉर्मेट सिर्फ हिंदुस्तान ही अच्छा खेल रहा है,
और अगर हिंदुस्तानी सेमीफाइनल में अपने घर पे ही हारता है तो यकीन जानिए मेरा नहीं ख्याल, मैं ये नहीं कहता कि आगे होगा नहीं होगा, मेरी प्रेडिक्शन है, मुझे नहीं पता कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है कुछ 30 साल पहले वाला कि जहाँ पे मोबाइल नहीं था, ये वो हिंदुस्तान नहीं है जहाँ दिन में मैच देखना रात में फिल्म देखनी है। यहाँ और भी बहुत काम है दुनिया को, यहाँ पे सुबह से लेके 3-3, 4-4 घंटे जो बंदा अप एंड डाउन ट्रेवल कर रहा है, अब उसके पास टाइम नहीं रहा कि वो अब मैच देखे। भाई उसमें काम का प्रेशर है, वो इंडियन, ये वो इंडियंस नहीं है। तो इस फॉर्मेट की बका के लिए हिंदुस्तान पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इस फॉर्मेट को बचाएं, दूसरी एक्सपेक्टेशन ये बहुत बड़ी है कि हिंदुस्तान में ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप है, पता नहीं फिर कब होता है, 10 साल बाद 11 साल बाद पता नहीं कोई खेलता भी है कि नहीं खेलता, ये शायद हिंदुस्तान का आखिरी जीता हुआ वर्ल्ड कप, एक बात कर रहा हूँ वो भी एट होम। मेरा ये ख्याल है यार कि आई थिंक हिंदुस्तान लुक्स अ फार बेटर टीम, बहुत अच्छा खेले, थॉरली डिजर्व करते हैं, कोई विकेटों की वजह से नहीं पहुंचे, कोई बॉलिंग की वजह से नहीं पहुंचे, अच्छी बॉलिंग करके पहुंचे, अच्छी बैटिंग करके पहुंचे, अच्छी कप्तानी करके पहुंचे, ये टीम डिजर्व करती है थॉरली। लेकिन अगर इनको कोई पढ़ सकता है आगे से, ये वही दो लास्ट दो टीमें हैं, न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, मुझसे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का फाइनल, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल है जी, जी। लेकिन यही वो ऑस्ट्रेलिया है जो आपको पढ़ सकती है, यही वो न्यूजीलैंड है जो आपको पढ़ सकती है। आप ऑस्ट्रेलिया को, आप न्यूजीलैंड को दबा सकते हैं जी। ये बात ठीक है कि आप इनको गुस्सा करें ना, ये दब भी सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया दबती नहीं है, वो पढ़ जाते हैं आगे से। So I think India has a far better chance if they're winning a toss, batting first. I think half of the game is over then and there. बिल्कुल। तो भाई इस वर्ल्ड कप में 11 मैच का शगुन था जो कि टीम इंडिया को जीतना था, उसमें से 9 मैच हो चुके हैं, अब 10वां मैच आज है, सेमीफाइनल है जहां पर 2019 की हार का हमें बदला लेना है, बदला लेना है। और उसके बाद जब 11वां मैच, और अगर जिस तरीके से शोएब भाई कह रहे हैं अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल हुआ तो 2003 का बदलाव लाना है, बदलाव लाएंगे, या वो तो बदला लेना है यार, वो तो जख्म है हमारे। एक काम करते हैं, सबकी सबकी दिल की रख लेते हैं, बदला लेना हमें रिवेंज लेना है, रिवेंज हमें वो किसी को पता नहीं चलेगा, इंग्लिश नेवर।